तो गाइस हैप्पी छोटी दीपावली आप सब को, और हम लोग लग रहे हैं, मैं और नन्नू, हम लोग नहीं, मैं और नन्नू सिर्फ लग रहे हैं घर की सजावट में। तो नन्नू ने ना देखो दीपक बनाए हैं इतने प्यारे, ये देखो नन्नू ने बनाए ये वाले दीपक, बताना आप कैसे बनाया। मैं इसको बोल रही हूँ कि और भी बना लो, तो मना कर रहा कि और नहीं, हाथ दर्द हो गया 5 दीपक बनाने से। इनको फोल्ड करके वो कितना मुश्किल होता है। अभी यहाँ कपड़े उपड़े रखे हैं, फिर वो हटा दूंगी ना, फिर अच्छा लुक आएगा। ये हम अंदर से ऐसे लाइट की, अंदर बाहर वाली लाइट ना अंदर भी ले आए एक, तो अच्छा लग रहा है अभी। और नन्नू लगा रहा है यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ बहुत सारे दीपक दीपक होते ना नन्नू, इतना अच्छा लगता पता है चालू क्यों नहीं हो रहा? क्या। हैं ये रही, हाँ तो गाइज आप सबको हैप्पी छोटी दीपावली। छोटी दीपावली है ना आज, छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। निखिल को ये बहुत याद है, तो यू कहते हैं आज जल्दी, जो सुबह जल्दी उठ के नहाता है ना वो बहुत सुंदर बनना रहता है ना। लेकिन हम तो नहीं नहा पाए सुबह जल्दी उठ, क्योंकि भाई दीदी तो आई नहीं अभी, दिवाली पे छुट्टी पे है दीदी, तो हम सारा काम आज मैंने किया, पूरा झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टबिन, मैंने मम्मा की डेकोरेशन में हेल्प की। हाँ वो डेकोरेशन कुछ कुछ तो हो गई है, और कुछ यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ में एक रिवाज है, जो केले के बड़े बड़े पूरे पत्ते नहीं पूरा ये उखाड़ के ले आते हैं पेड़। उत्तर भारत में ईख या गन्ने से पूजा होती है, और यहाँ पर केले। हाँ और हर दुकान के आगे आपको गन्ने ये मिलेंगे। हाँ क्योंकि ईख यहाँ पे कम होता है इस तरफ, तो यहाँ पे केले के केले का पेड़ लाके पूजा करते हैं। हाँ पूरा चढ़ा देते हैं वो ऐसे घर में भी, है ना। हाँ। तो हम लोग अब जा रहे हैं, आप हम लोग तो वैसे जाते ही रहते हैं गाड़ी में, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ नारियल वारियल या कुछ मिठाई विठाई आज ही लेके आ जाएंगे, क्योंकि कल बहुत भीड़ रहती है और बहुत छोटा दिन होता है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो निखिल बोले आज ही ले आते हैं मिठाई जो भी लेके आनी है, क्योंकि आज बन गई होगी फ्रेश। और एक बात और, उस दिन हम वो पानी वाली लाइट्स कुछ नहीं ला पाए थे, तो बबली आज वो लेके ही आएगी, नहीं तो क्योंकि उसके बिना ना थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, और तो मैंने सब कर दिया लेकिन जो अधूरापन है ना उसके कैंडल के बिना वो पूरा नहीं हुआ। और आज हम मिठाई भी आज ही ले आएंगे, क्योंकि कल नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, वैसे भी आज ही लेके आनी चाहिए, कल नहीं जाना चाहिए। तो मिठाई मिठाई लेके आते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं, क्योंकि आके मुझे पूजा भी करनी है आज भी। कितने दीपक जलते हैं निखिल आज भी पूरे, मतलब कितने, 21 21 जला दो, 11 जला दो ऐसे। हाँ ऐसे होता है, तो आके देखते हैं कितने दीपक जलाएंगे, अभी जा रहे हैं पूजा के टाइम तक मैं आ जाऊंगी। पूरी जगह पे लाइट लाइट लगी हुई है हर जगह पे, और हम लोग सामान लेने के लिए थोड़ा लेट इसलिए निकले हैं, मैं बताना भूल गई, क्योंकि ना इंडिया में जीत गई, इसलिए ना दिवाली इंडिया वालों अच्छे से मनाओ, क्योंकि ना हम हारते हारते जीत गए हैं। हाँ। सिर्फ हम 16% का जीतने के, हम लोग देखना शुरू किया था 4:30 बजे, तब तक इंडिया पूरी तरीके से मतलब हारने वाला था, लेकिन लास्ट में एक रन से जीती गई। हाँ छक्का चौका मारा विराट कोहली ने, 4 विकेट से लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था वो बना लिया। हाँ मतलब इंडिया की इज्जत रख ली, तो मतलब राम जी आए थे ना ऐसे, विराट कोहली भी हमारे जीत दिला के आ रहे हैं शायद। आएगा नहीं अभी तो, और बहुत मैच बाकी है, लेकिन हाँ ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच थोड़ा ज्यादा ही लोग, इंडिया पाकिस्तान का ही ज्यादा पसंद करते हैं ना देखना, अदरवाइज तो चलता रहता है अदर कंट्रीज के साथ, तो अच्छा है, ये भी एक हमारे देश के लिए खुशखबरी है कि हाँ। इंडिया जीत गया, इसलिए जश्न मनाइए दिवाली के साथ। दूसरी टीम जीत गई थी, इस बार इंडिया जीत गया, अच्छी बात है, चलो अब की बार सही है, उनकी खुशी में भी दीपक जलाए जाएंगे। सही है। मैंने यहाँ पे ना घर पे हम आ गए थे मिठाई मिठाई लेके, और एक कैंडल तो मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं अभी करूंगी पूजा, और देखो मैंने फूलों से ही स्वास्तिक बनाया मैंने, नैनू ने, है ना नैनू, अच्छा लग रहा है बहुत, देख सकते हैं हमारे चौबीस दादी है, फूलों से धूप वगैरह
और ये है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की फोटो है ना अम्मा, और हमने आप देख सकते हैं स्वास्तिक भी बनाया है और यहाँ कुछ हमने फल फ्रूट भी रखे हैं। सही, पूजा का समय हो गया है। और देखो गाइस, आज ना सारे दीपक मैंने जलाए हैं, मैंने लगाए हैं। आज के दिन ये एक आटे का बना दीपक है ना अपने, ये यम का माना जाता है जो हमारे यहाँ लगाते हैं चार बत्ती डाल के। और वैसे मैं 14 दीपक लगा रही हूँ, वैसे 5 लगा दो, 7 लगा दो, 14 लगा दो, खुद की श्रद्धा है, लेकिन हाँ मैं 14 लगा रही हूँ। और ये हमारे घर का ईशान कोण है, उत्तर पूर्व दिशा। पिछली बार ये खाली नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार सही है। लेकिन बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर यहाँ पे, है ना। हाँ सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। यूं लग रहा है कि हमेशा के लिए यहीं पे रख ले। और बबली ने डेकोरेशन में, आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, काफी सुंदर डेकोरेशन की गई है। और अम्मा ये कितने टोटल, और ये एक पानी में जलने वाली लाइट भी लगाई है यहाँ। 10, 11, 12, 13 हमें एक दीपक खम है, ये भी चाहिए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, अभी कर देंगे, मम्मा कर देंगे अभी। पहले पूजा को ही खा लेते हैं, 8:30 के करीब समय हो रहा है, पूजा कर लेते हैं। वैष्णो भगवान का नहीं है, विष्णु भगवान कोई नहीं, कान्हा जी की बैठा दी तो ये उस वो एक ही बात है। पूजा हो गई है, बबली आटे वाले दीपक से फिर से एक बार आरती कर रही है। गरम तो नहीं लग रहा बबली, ये कहाँ रखना है इसको, ये ना पूरे घर में घुमाना है इसको। अच्छा पूरा घर में बिना सही से जचा रखा है एकदम मस्त। और कहाँ रखना है अभी, ये 14 दीपक जलाए अपनी मर्जी है, कहाँ पर भी रख दो, लेकिन हर घर के कोने में रखना है। हाँ घर के कोने में रखते हैं। अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ मैंने सजाया है। हाँ इसको पास लाओ, कितना प्यारा लग रहा है। मैनू देखो मामा ने क्या किया, अच्छा लग रहा है ना। और कोने का है वो, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सा, वहाँ पे थोड़ा अलग से लुक आ रहा है। हाँ तो मेरी पूजा डन हो गई है, देखिए ऐसे नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे देखा। एक दीपक जो है यहाँ पे रखा है मैंने, बीच में जो आटे का बनता है हमारे यहाँ वो हमने बीच में रखा, और एक यहाँ पे रख दिया है हमारे घर के, एक उधर रखा है और एक इधर रखा है। और इस मंदिर में भी पूजा कर दी है, ये देखिए जय भगवान। तो अभी टाइम हो गया है, 10 बज गया है ना, और मैं नैनू खा रहे हैं खाना, नैनू की फेवरेट दाल। कौन सी दाल है नैनू? पचरंगी। कौन सी? पचरंगी। बहुत प्यारा बोलता है नैनू से। और हमारा दीपक अभी भी जल रहा है, देखिए वो भी जल रहे हैं। तो ठीक है गाइज, आज के व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो आपको आज की दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, कल के लिए भी आपको इन एडवांस हैप्पी दीपावली।
बाय, हैप्पी दीपावली बोलो नैनू। हैप्पी दीपावली गाइस, बाय बाय। मैं ना इस टाइम खाना खाने के बाद ना मशीन रखी है यहाँ पे, और क्यों रखी है इसका कारण मैं बताती हूँ। मैं ना कल के लिए ड्रेस लेके आई थी, सारा काम हो गया, सजावट सब, लेकिन ना मैं अभी अपने जो कल पहननी है उस ड्रेस का ना ऊपर का जो कुर्ती है वो सही नहीं किया मैंने, और ना मैंने करवाई। अगर सही नहीं हो पाएगा तो मैं ये वाली ड्रेस कल नहीं पहन पाऊंगी, तो मैं देख रही हूँ कि अभी मुझसे होगा क्या, अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो दूसरी ड्रेस पहन पाऊंगी। लेकिन मैं यही ड्रेस पहनना चाहती हूँ, तो सोच रही हूँ कि काश ये हो जाए मुझसे, तो बस मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। और नैनू ना यहाँ साथ बैठ के ना मेरे इतने अच्छी से ना ये माला पिरोई है। अम्मा मेरे को और कितनी अच्छी माला पिरोई नैनू ने, वाह। अम्मा मेरे को और फूल और धागे चाहिए। और फूल फ्रिज में ले आओ ना। फ्रिज में? हाँ, और इसमें धागा डाल देते हैं। अम्मा देखा फ्रिज में? फ्रिज में रखे हैं तो फूल। मैंने फ्रिज में इसलिए रख दिया क्योंकि गाइस फ्रिज में ना सूखते नहीं है फूल। हंसी क्या आ रही है? लो तो मैं करके देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर ये वाली ड्रेस नहीं पहन पाएंगे, फिर टेलर से करवाना पड़ेगा। एक ऑरेंज कलर की माला बनाओ। हाँ, फूल इसमें नहीं है लेकिन ये वाले इधर लेके आओ। ऑरेंज तो है ही माला, तो नैनू अभी बनाएगा माला कौन से कलर की बता दो, और मैं करूंगी यहाँ पे सिलाई। नैनू ने तो बना दिया, मेरा काम खत्म नहीं हुआ अभी। लेकिन नहीं, मैं तो कर रही हूँ, देखो टाइम पास कर रही हूँ। और देखो नैनू ने तो टाइम पास करके पास भी कर लिया अपना। नींद आ रही है नैनू को, बस है ना। चलो मेरा थोड़ा सा और रह गया, कर लेती हूँ मैं।